आज बात एक ऐसे शख्स की जिसको भारत रत्न भी मिला और नोबेल पुरस्कार भी मिला, जिसके किए गए कार्यों की चर्चा ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में होती है, पूरी दुनिया में उनके ज्ञान को सराहा जाता है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गजब इंडिया। और आज मैं बात करूंगा अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के बारे में। अमर्त्य सेन कौन है, नोबेल क्यों मिला, भारत रत्न क्यों मिला, उनका अर्थशास्त्र में क्या योगदान है, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। प्रख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का जन्म 3 नवंबर साल 1933 को हुआ। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के शांति निकेतन में जन्मे अमर्त्य सेन की प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता में ही हुई। अमर्त्य सेन के नाना स्वतंत्रता सेनानी थे और रविंद्रनाथ टैगोर के मित्र थे, जिसके कारण सेन का बचपन भी शांति निकेतन में ही बीता। अमर्त्य सेन ने अपने इस वक्त को जीवन का टर्निंग पॉइंट बताया है। सेन के अनुसार वहीं पर उन्हें देश की गरीबी और व्यवस्था पर काम करने के लिए प्रेरणा मिली। कहा जाता है कि अमर्त्य सेन का नामकरण भी टैगोर ने ही किया था। बचपन से ही अमर्त्य सेन पर रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव रहा। अमर्त्य सेन जाधवपुर विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद दिल्ली आए। यहाँ पर उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से मास्टर्स की डिग्री ली। आगे की पढ़ाई के लिए वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए, जहाँ उन्होंने एमफिल किया और फिर पीएचडी किया। अमर्त्य सेन ने अपने मूल विषय अर्थशास्त्र पर लगभग 215 से भी अधिक शोध पत्र लिखे हैं। साल 1960 में उनकी शादी नवनीता देव से हुई। उनकी दो बेटियां हैं, जिसमें से एक अंतरा भारत में पत्रकार हैं और दूसरी नंदिता अमेरिका में फिल्म निर्देशक हैं। शिक्षा ग्रहण कर भारत लौटने के बाद अमर्त्य सेन जाधवपुर विश्वविद्यालय से जुड़े। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र के प्राध्यापक के रूप में काम करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी अध्यापक के तौर पर सेवाएं दी। इसके अलावा वह अलग अलग विश्वविद्यालयों में गेस्ट लेक्चरर और अर्थशास्त्र विशेषज्ञ के तौर पर जाकर पढ़ाते रहे। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र पर कई किताबें भी लिख चुके हैं, जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई। उनकी पुस्तक द आइडिया ऑफ जस्टिस और डेवलपमेंट एज फ्रीडम काफी चर्चित है। हाल ही में अर्थशास्त्री जादरेज के साथ मिलकर लिखी उनकी किताब भारत और उसके विरोधाभास ने भी काफी सुर्खियां बटोरी है। अमर्त्य सेन को साल 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा पर नोबेल ज्यूरी ने सहमति जताई। अमर्त्य सेन ने अमेरिकी अर्थशास्त्री केनेथ एरो के सिद्धांत पर असहमति जताते हुए अपना नया सिद्धांत प्रतिपादित किया था। केनेथ एरो ने असंभाव्यता के सिद्धांत नाम की अपनी खोज में कहा था कि व्यक्तियों की अलग अलग पसंद को मिलाकर समूचे समाज के लिए किसी एक संतोषजनक पथ का निर्धारण करना संभव नहीं है। लेकिन अमर्त्य सेन ने गणितीय आधार पर यह सिद्ध किया कि समाज इस तरह के नतीजों के असर को कम करने के उपाय ढूंढ सकता है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को साल 1999 में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इसके अलावा अमर्त्य सेन कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुके हैं, जिनमें लियोन तीफ पुरस्कार, एडम स्मिथ पुरस्कार प्रमुख है। इसी साल लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने प्रोफेसर अमर्त्य सेन को गैर बराबरी के क्षेत्र में किए उनके कामों के लिए सम्मानित करते हुए अमर्त्य सेन चेयर इन इनइक्वालिटी स्टडी नाम से एक नया अकादमिक पद बनाया। अमर्त्य सेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आलोचक माना जाता है। फिल्म मेकर सुमन घोष ने उनकी जिंदगी पर द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। इस डॉक्यूमेंट्री में वो गुजरात में हुए 2002 के दंगों का जिक्र करते हैं। डॉक्यूमेंट्री में इस बात का भी जिक्र है कि कैसे हिंदुओं के लिए पवित्र मानी गई गाय अहम मुद्दा बन गई। करीब एक घंटे लंबी इस डॉक्यूमेंट्री में अमर्त्य सेन को अपने छात्रों और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक कौशिक बसु के साथ बेतकल्लुफी से बातचीत करते हुए दिखाया गया है।
ऐसा माना जाता है कि अमर्त्य सेन पर रविन्द्रनाथ टैगोर का काफी प्रभाव रहा है। शांति निकेतन में वो रहे भी, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया। तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कुछ अगर आप इसके अलावा जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि दूसरे लोग पढ़ें जो इस वीडियो को देख रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएं। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्ञान ज़्यादा लोगों तक बढ़े। एक दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे आप सबसे पहले देख पाएं।